हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चेकमेट ट्रेड्स। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज फिर एक बार मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक यूनिक लर्निंग। एक मेजर इशू है इंटरनेट ट्रेडर्स का और वो है हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर टुमारो, हाउ टू सिलेक्ट इंट्राडे स्टॉक्स वन डे इन एडवांस। तो ये जो मैसिव कंसर्न है, इसके ऊपर जो भी एनालिसिस, जो भी वीडियोस, जो भी कंटेंट अवेलेबल है सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एंड इवन फॉर दैट मैटर पेड कोर्सेस में, देर इज अ मैसिव चैलेंज, एक मैसिव शॉर्टकमिंग है, एक बहुत मैसिव गैप है। मुझे लगता है कि कोई भी ट्रेडर या फिर मेंटर आज तक इस टॉपिक को क्रैक नहीं कर पाया है 100%, और वो सबसे मेजर इशू है ऑफ एवरी इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर दो चीजों से हमेशा जूझता है। सबसे पहला चीज है कि उसके पास एक रिलायबल, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटर्जी नहीं होती है। अगर होती भी है तो भी ये सारे ट्रेडर स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, निफ्टी 500 में 500 स्टॉक्स है, और कहीं पर भी किसी भी वक्त हाई मोमेंटम से ब्रेकआउट्स आ सकते हैं, हाई मोमेंटम मूव्स हो सकते हैं। लेकिन एक ट्रेडर इन सारे स्टॉक्स को किस तरह से स्कैन करे, किस तरह से इसे शॉर्टलिस्ट करे, इसके ऊपर बहुत ही कम बातचीत होती है। स्ट्रैटर्जी शायद आपके पास हो भी, तो भी उन स्ट्रैटर्जीज को अप्लाई करने के लिए एक सही स्टॉक सिलेक्शन वन डे इन एडवांस करना बहुत बहुत एसेंशियल है। और हम इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे कंटेंट को टॉप डाउन अप्रोच से क्रैक डाउन करने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, हर ट्रेडर जो ये वीडियो देख रहा है, वो हम कल के लिए जो सबसे हाई मोमेंटम स्टॉक्स है, जो हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं ब्रेकआउट देने की, वो स्टॉक्स 24 आवर्स इन एडवांस अपने पोर्टफोलियो में, अपने ट्रेडिंग व्यू के वॉच लिस्ट में डेफिनेटली यू नो शॉर्टलिस्ट करके रख सकता है। एंड ऑल ही हैज टू डू इज वेट फॉर द ब्रेकआउट्स, अलर्ट्स भी लगा सकते हैं, सब कुछ आज करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं एनालिसिस और जानने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अगर बेसिक अगर आपने वीडियोस देखे हैं या फिर कुछ रिसर्च किया है या फिर कुछ स्टडीज की है, तो बेसिक जो सजेशन आपके पास आता है, जो यूजुअल सजेशन आपको मिलता है, वो होता है कि आप एक दिन पहले काम से आकर, या फिर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो मार्केट खत्म होने के बाद आपको चार्ट्स के ऊपर बैठना है। जितना टाइम आपने शायद मार्केट आज में चार्ट्स पे नहीं दिया है, उतना उससे ज्यादा टाइम आपको चार्ट्स के ऊपर बैठना पड़ेगा। आपको ट्रेंड लाइंस खींचनी पड़ेगी, वो भी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के ऊपर। आप वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करोगे, दैट्स व्हाट यूजुअली ट्रेडर्स टेल यू, राइट? वही तो यूट्यूब के ऊपर लोगों को बताया जा रहा है कि आप वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न से शुरुआत कीजिए, फिर डेली कैंडलस्टिक पे आइए, फिर 15 मिनट की कैंडलस्टिक पे आइए, या उससे पहले एक आर की कैंडलस्टिक पे आइए, और हर टाइम फ्रेम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कीजिए, और जब आपको ब्रेकआउट मिले देन यू कैन एंटर इनटू द स्टॉक। ये अपने आप में अनरिलायबल है, अनरियलिस्टिक है, इम्पॉसिबल टू अचीव है। लॉन्ग टर्म में कोई भी ट्रेडर इसको कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर डेली नहीं कर सकता है। उसी के साथ साथ इसको ट्रैक करना, अलर्ट्स को लगाना, स्कैनर्स को क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। ये सारे बहुत मैसिव इश्यूज है, बहुत मेजर कंसर्न्स है। और मेरा सबसे मैसिव यू नो डिस्कनेक्ट इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से है, या फिर ये पर्टिकुलर जो ट्रेंड लाइन को देखना या चार्ट्स को एनालाइज करते रहना, हजारों चार्ट्स को, 100-150 चार्ट्स को डेली बेसिस पे देखना, टोटली इम्पॉसिबल है, एंड डेफिनेटली इम्पॉसिबल फॉर फुल टाइम ट्रेडर्स, और ये कम्प्लीटली आउट ऑफ स्कोप है फॉर पार्ट टाइम ट्रेडर्स। तो ये यू नो इट दिस इज नॉट गोना हैपन। इससे कोई बेटर तरीका होना चाहिए, दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है, देर आर डेफिनेटली सम बेटर स्ट्रैटेजीज। एंड ऑब्वियसली जो मेरा रिसर्च है ऑफ कैमरेला एंड सीपीआरस, मोर देन सीपीआरस इट्स अबाउट कैमरेला, उसको देख करके, उसको एनालाइज करके, उसके स्कैनर्स क्रिएट करके, एक बहुत आसान तरीके से आप एक स्टॉक की वॉच लिस्ट बना सकते हो, ऑल द इंट्राडे स्टॉक्स दैट आर गोइंग टू गिव अ ब्रेकआउट फॉर टुमारो, जो हाई पोटेंशियल है। और सबसे खूबसूरत बात यह है इस वीडियो की और इस पैटर्न की और इस सिस्टम की जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, कि इसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस तो जरूर करेंगे, लेकिन एक बार भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यू नो चेंज नहीं करेंगे। हमें एक चार्ट से ऊपर दूसरे चार्ट के ऊपर जंप करने की जरूरत नहीं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कांस्टेंट रहेंगे। डुअल स्क्रीन के ऊपर इसको एनालिसिस करेंगे। आपके पास अगर ट्रेडिंग व्यू का प्रो वर्जन नहीं है और अगर आप एक प्रोफेशनल इंटरनेट ट्रेडर हो, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग मिसिंग। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप डेफिनेटली एटलीस्ट जो बेसिक वर्जन है, पेड वर्जन है ट्रेडिंग व्यू, उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप एक प्रोफेशनल फुल टाइम
ट्रेडर हो और आप अगर स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हो, अगर सीरियस बिजनेस करना चाहते हो, तो जिनके पास नहीं है उनके लिए यूट्यूब के ऊपर कुछ ट्रेडिंग व्यू के हैक्स है, जिसमें आप मल्टीपल स्क्रीन लगा सकते हो एक ही ब्राउजर विंडो में, वाल्डी ब्राउजर ऐसा कोई कुछ है, तो आप डेफिनेटली उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो और उससे भी आप ये एनालिसिस डेफिनेटली रिक्रिएट कर सकते हो फॉर फ्री ऑन योर ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। उसी के साथ साथ एक यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉप डाउन अप्रोच का, उसमें हम सेक्टर एनालिसिस भी आज ऐड करने वाले हैं। इसका मतलब ये है हम एक ऐसा सेक्टर फाइंड आउट करेंगे जो सेक्टर अप ट्रेंड में है, जो सेक्टर बुलिश है, अगर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं। अगर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने वाले हो तो हम एक ऐसा सेक्टर ढूंढेंगे जो बेरिश है, जो डाउन ट्रेंड में है। और इसको देखने का सबसे 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 आसान तरीका है कि हम एक ऐसा सेक्टर देखें, जो भी सेक्टर हो, निफ्टी के कुछ 10-12 सेक्टर्स हैं, आपको एनएससी के वेबसाइट के ऊपर हर सेक्टर का एनालिसिस मिल जाएगा, हर सेक्टर में कौन से सारे स्टॉक्स अवेलेबल है और उन स्टॉक्स का क्या वेटेज है वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं देने वाला हूं आपको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क, एक कंप्लीट फॉर्मूला, एक कंप्लीट सिस्टम। उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो बड़े आसानी से यू विल बी एबल टू सिलेक्ट द हाई मोमेंटम ब्रेकआउट स्टॉक्स फॉर टुमारो विथ गारंटी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इट। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे लिए अप ट्रेंड क्या है, हमारे लिए बुलिशनेस क्या है और उसको किस टाइम फ्रेम के ऊपर डिफाइन किया जाता है, किस टाइम फ्रेम के ऊपर उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम सेक्टर एनालिसिस करें और कौन सा सेक्टर को सिलेक्ट करके उस सेक्टर के कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है। तो सबसे पहले सेक्टर एनालिसिस को सॉर्ट आउट कर देते हैं, 2 मिनट का वक्त लगेगा। सेक्टर जो है आपको एनएससी के ऊपर जो भी सेक्टर मिलते हैं, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मीडिया, निफ्टी आपके पास बैंक निफ्टी है, कुछ 7 बैंक्स बैंक निफ्टी को चलाता है, निफ्टी 50 को जो है उसमें 50 स्टॉक्स है। तो आप जो भी सेक्टर चुने उस सेक्टर का जो सबसे पहले 2 हाइएस्ट वेटेज के स्टॉक्स है आपको सिर्फ उन 2 स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है। जिसका मतलब अगर आप निफ्टी 50 को सिलेक्ट करते हो तो आप एचडीएफसी बैंक को ले सकते हो या फिर रिलायंस को ले सकते हो जो हाइएस्ट वेटेज रखते हैं निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले हो तो आप डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक फॉर द थर्ड, इन 3 बैंक्स में आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो, हाई मोमेंटम कंफर्मेशन मिलता है तो। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट एज है। तो आइए चल के सबसे पहले क्रैक करते हैं सेक्टर एनालिसिस को, किस तरह से आपको सेक्टर को चुनना है, किस तरह से आपको ये एस्टेब्लिश करना है, डिफाइन करना है, कंफर्म करना है कि ये सेक्टर अप ट्रेंड में है, ये सेक्टर बुलिश है और इस सेक्टर के स्टॉक्स में डेफिनेटली ब्रेकआउट आ सकता है। तो आपको सेक्टर के लिए जो भी सेक्टर की लिस्टिंग है, जैसे कि मैंने आपको कहा एनएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैन्युअली आपको अगर आपके पास फ्री वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का तो आपको मैन्युअली ये वॉचलिस्ट बनानी पड़ेगी। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि मेरे पास निफ्टी 50 है, निफ्टी 500 है, निफ्टी 100 है, यहाँ पर ऑन द दिस साइड ऑफ द स्क्रीन अगर आप देख पा रहे हो तो। उसी के साथ साथ मेरे पास कुछ प्राइम सेक्टर्स भी है निफ्टी में, जिसमें मैं इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग डेफिनेटली प्रीफर करता हूँ। उसके लिए तो मेरे पास निफ्टी ऑटो है जिसमें 17 स्टॉक्स है, निफ्टी बैंक में अराउंड 12 स्टॉक्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है गॉड, उसी के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज है, FMGC है, हेल्थ केयर है, IT है, फार्मा है, रियल्टी है। तो इस तरह से डेफिनेटली हमारे पास सेक्टर्स है। अगर इसमें से किसी एक सेक्टर को चुनना है तो लेट्स गो फॉर द मोस्ट ऑब्वियस सेक्टर, निफ्टी आईटी में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसी के साथ साथ निफ्टी फार्मा में। आज इस स्टॉक सिलेक्शन के साथ साथ हम कंप्लीट बैक टेस्टिंग करेंगे, किस तरह से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है वो भी देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें हाई मोमेंटम मूव्स मिलते हैं ऑन द नेक्स्ट डे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी आईटी, तो निफ्टी आईटी में जो आपके पास स्टॉक्स है उसमें से सबसे हाईएस्ट वेटेज है जिस स्टॉक्स का, उनका नाम है TCS, 25% 26% वेटेज रखता है निफ्टी आईटी में। उसी के साथ साथ इन्फी अगर आप देखोगे तो वो भी अराउंड 25% का वेटेज रखता है निफ्टी आईटी में। ये 2 मेजर जायंट्स है ऑफ निफ्टी आईटी, ये 2 स्टॉक्स जो है उसमें आपको कभी वॉल्यूम का इशू नहीं होगा, आपको कभी ऑर्डर प्लेसिंग का इशू नहीं होगा। आईटी सेक्टर के TCS और इन्फी में आपको कभी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा, प्राइस एक्शन बहुत रिलायबल होगा, बहुत ही रिलायबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जो भी रिएक्शन आएगा उसके ऊपर आप बेट कर सकते हो। वहां से जो भी आपको CPR के ब्रेकआउट्स मिलेंगे, कैमरेला के जो ब्रेकआउट्स मिलेंगे, जो रिवर्सल्स मिलेंगे, वो हाई पोटेंशियल ट्रेड्स होंगे। आपको कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को डेफिनेटली ट्रैक करना है। इसका मतलब ये है अगर हम 10 सेक्टर ले ले, आईटी के, फार्मा के, रियल्टी के, बैंक निफ्टी के या फिर
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के या एफएमजीसी के, तो आपको ये 7-8 प्राइम सेक्टर्स को सिलेक्ट करना है और उसमें से पहले 2 हाई वेटेज स्टॉक्स को आपको आपके वॉचलिस्ट में ट्रेडिंग व्यू के ऊपर क्रिएट करके रखना है। आपको सिर्फ इन 20 स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करना है। जब भी ये स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में होंगे हमें उनमें शॉर्ट पोजीशंस लेनी है। जब भी ये 20 में से कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है और आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको लॉन्ग एंट्री लेनी है। तो ये था हमारा स्टॉक सिलेक्शन का सबसे पहला पिलर। तो ट्रेडर्स, देखा आपने बड़े आसानी से हमने हजारों, 500, 100, 50 इन सारे स्टॉक्स, जो भी आपको मार्केट का नॉइज है, जो आपका ये मंकी जंपिंग है कि इस स्टॉक से उस स्टॉक में, रैंडम स्टॉक्स में जो आप यू आर ट्राइंग टू फाइंड द ब्रेकआउट्स और रिवर्सल ट्रेड्स, या ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, या फिर प्री डे प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे हो डे बिफोर, तो आपने सबसे पहले इन सारे इश्यूज का निवारण कर लिया है। अभी आपको ट्रैक करने के लिए आपके पास 50 या 100, 150, 500 स्टॉक्स नहीं है, आपके पास बेस्ट स्टॉक्स है, टॉप क्वालिटी स्टॉक्स है, रिलायबल स्टॉक्स है ऑफ द प्राइम सेक्टर्स। तो आपके पास जो भी निफ्टी के सेक्टर्स है उन सेक्टर्स के 2 हाई वेटेज स्टॉक्स है जिसमें हाई लिक्विडिटी है, प्राइस एक्शन रिलायबल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हाई कंफर्मेशन के साथ रिएक्शंस मिलने का प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 में बहुत बड़ा मैसिव इश्यू जो था, कंसर्न जो था, उसको रिजोल्व कर लिया है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2, जो हम और भी आसान कर देंगे। अब ये 20 स्टॉक्स में से मैं एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर मार्केट आवर्स मुझे बस 5 मिनट रुकना है, या फिर 9:15 बजे अगर मार्केट खुलने वाला है तो मुझे 9 बजे 10-15 मिनट पहले डेस्कटॉप के ऊपर बैठना है और चेक करना है कि कौन सा सेक्टर अप ट्रेंड में है, कौन सा सेक्टर बुलिश है अगर हम बाइंग के बारे में सोचने वाले हैं, और कौन से सारे सेक्टर्स बेरिश है, कौन से सारे सेक्टर्स डाउन ट्रेंड में है अगर हम सेलिंग लेने वाले हैं। तो लेट्स गो एंड लेट्स डाइव इनटू स्टेप नंबर 2। तो सबसे पहले हम चार्ट पे CNX IT को लगाएंगे, यानी ये सेक्टर है। अगर CNX IT का चार्ट आपको लगाना है तो आपको इंडाइसेस के ऊपर क्लिक करना होता है और CNX IT का चार्ट आप लगा सकते हो, और ये मैंने डेली चार्ट यहाँ पर CNX IT का लगाया हुआ है। जैसे ही आपको ये चार्ट मिल जाता है, नाउ लेट्स ट्राई टू डिफाइन द ट्रेंड, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में। तो सबसे पहले CNX IT को मैंने प्लॉट किया है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल अब यहाँ पे हम करने वाले हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है हमारा चेकमेट फ्यूचर पिवोट का इंडिकेटर। इसके आगे मेरी दुनिया नहीं है, यहीं पर अपनी दुनिया खत्म हो जाती है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है स्कैल्पिंग से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक, द ओनली रिलायबल वे एंड द ओनली रिलायबल नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल आर द कैमरेला पिवोट्स। उनको सीख करके, उनके टिप्स और ट्रिक्स को जान करके, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर, फुल फ्लेजेड इन एवरी पॉसिबल टाइम फ्रेम यू कैन गवर्न द स्टॉक मार्केट एंड हैव अ सक्सेसफुल कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग बिजनेस। तो एनी विच वेज, ये जो ट्रेडिंग जो इंडिकेटर आप देख रहे हो यहाँ पर, इसकी सेटिंग्स आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हो। और सबसे पहला बात, ये इंडिकेटर की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दी हुई है। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, ऐड टू फेवरेट्स करना है, और उसके बाद में इंडिकेटर सेक्शन में जा करके आपको इसको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लॉट करना है। तो यहाँ पर जो पिवोट का रिजोल्यूशन है मैंने मंथली सिलेक्ट किया है। देखिए, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने वाले हैं। 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को कंसीडर करके हम इंट्राडे में ट्रेड लेने वाले हैं। बहुत ही रिलायबल इंट्राडे स्टॉक मार्केट के ट्रेड्स आपको मिलने वाले हैं, हाई रिवर्सल ट्रेड्स, हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट ट्रेड्स आज हम कवर करेंगे। शॉर्टलिस्ट करना बहुत आसान होने वाला है, आपको बस एक बार इस चार्ट को क्रिएट करना है और उसके बाद में आप इस पर्टिकुलर फ्रेम को, ये 2 स्क्रीन्स को आप सेव करके रख सकते हो, टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। आपको बस सुबह उठ के जो अप ट्रेंड में स्टॉक्स है जो ब्रेकआउट देने वाले हैं, 4 या 5 स्टॉक्स वो आपके सामने आ जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मंथली टाइम फ्रेम मैंने इस रीजन से सिलेक्ट किया क्योंकि ये हाईएस्ट टाइम फ्रेम है। इसके नीचे हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे और इसके नीचे हम ट्रेड जब लेंगे तब हम इंट्राडे ट्रेड लेने वाले हैं डेली सीपीआर के ऊपर। लेकिन एनालिसिस करते वक्त हम शुरू करेंगे एनालिसिस ऑन अ मंथली सीपीआर। जो भी मेरा रिसर्च है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरे एक्सपर्टीज है, दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू सीपीआर एंड कैमरेला पिवोट्स एंड दे आर गुड इनफ। देर इज नथिंग मोर आई नीड टू लर्न, देर इज नथिंग मोर आई नीड टू टीच यू गाइज एज वेल टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर आप सीपीआर और कैमरेला के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हो, अगर आप एक रिलायबल ट्रेडिंग बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, तो मेरे यूट्यूब के वीडियोस में, मेरे यूट्यूब के चैनल पे आपको बड़ी प्लेलिस्ट मिल जाएगी
चेकमेट फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग वेबिनार्स एंड स्विंग ट्रेडिंग वेबिनार्स, वहां पर मैंने सीपीआर के हर बिहेवियर को, हर कैरेक्टरिस्टिक्स को, सीपीआर को कैसे प्लॉट किया जाए, सीपीआर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, सीपीआर के क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको बखूबी से बहुत यू नो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आपको बस उन वीडियोस पे जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंट्राडे की, स्विंग ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज की। आपको बस उन सारे यू नो वॉचलिस्ट को देखना है, कुछ घंटों का सवाल है एंड यू विल बी रेडी टू स्टार्ट विथ योर ट्रेडिंग जर्नी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पर मैंने दो चीजों को प्लॉट किया है, मेरा सीपीआर एंड माय फेवरेट कैमरेला पिवोट। तो यहां पर जैसे ही मैं सीपीआर को प्लॉट करता हूं तो आप देखोगे सीपीआर और कैमरेला को प्लॉट करना है, स्टाइल में जाके आप इसको कॉपी कर सकते हो, बट इनपुट्स में सब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। आपको बस टिक लेना है, यहाँ पर एम सिलेक्ट करना है फॉर मंथली एंड टिक फॉर सीपीआर एंड टिक इन फ्रंट ऑफ द कैमरेला। इस तरह से आपको चार्ट दिखाई देगा जो कैंडल स्टिक के टाइम फ्रेम है, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल जो आप देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम है, वो कॉन्स्टेंट रहेगा डेफिनेटली। लेकिन हमने मंथली जो सीपीआर को प्लॉट किया है उसको अगर आप देखोगे तो बहुत ही रिलायबल जो मीन वैल्यू है, जो प्रीवियस मंथ का प्राइस एक्शन है, प्रीवियस मंथ का हाई लो क्लोज, जब उनको मिलकर के एक फॉर्मूला क्रिएट करके जब एक सीपीआर का बैंड बनता है वो हो जाता है दी मीन वैल्यू ऑफ द मार्केट। देखिए किस खूबसूरती से ये असेंडिंग सीपीआर है, हायर सीपीआर है, ये जो सीपीआर है वो प्रीवियस मंथ के ऊपर प्लेस्ड है और प्राइस जब भी अप ट्रेंड में है तब नीचे आके उसने सीपीआर को रिटेस्ट करके उस सेकेंड मूव देना, सेकेंड लेग ऑफ द प्राइस एक्शन को क्रिएट करना बहुत जरूरी समझा। तो अगर आप कितने भी भले ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, चैनल ड्रॉ कर दीजिए, लेकिन आपको चीपेस्ट वैल्यूएशन के बारे में, आपको चीप कब स्टॉक सपोर्ट के ऊपर अवेलेबल है उसके बारे में कभी भी पता नहीं चल सकता। लेकिन आपको ये सब यू नो ड्रॉइंग से, अगर ज्योमेट्री से अगर आप दूर भाग जाओगे तो जस्ट बाय लुकिंग एट द चार्ट अब मुझे पता है कि सीएनएक्स आईटी इस पर्टिकुलर फेज में, ये जो 10 दिन का फेज है उसमें और ये जो अराउंड 20 दिन का फेज है, ऑल थ्रू आउट द मंथ पूरे 22 दिन सीएनएक्स आईटी यहां पर अप ट्रेंड में था। उसी के साथ साथ क्योंकि वो सीपीआर के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मेरे लिए वो अप ट्रेंड है, मेरे लिए वो बुलिशनेस है। अगर वो सीपीआर के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मेरे लिए सीएनएक्स आईटी ये जो इंडेक्स है वो मेरे लिए डाउन ट्रेंड में है, वो मेरे लिए बेरिश है। और जब भी वो बेरिश रहेगा, जब भी इंडेक्स बेरिश है तभी भी मैं कभी भी निफ्ट इन्फी में या टीसीएस में या फिर यू नो कोई भी जो टॉप के स्टॉक्स है यहाँ पर जो सीएनएक्स आईटी में लिस्टेड स्टॉक्स है उसमें मैं कभी भी बाइंग की गलती नहीं करूंगा। तो ये जो विजिबिलिटी है कि ट्रेंड क्या है, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, वो आपको सिर्फ प्राइस एक्शन देख करके, दो चार ईएमए लगा करके कभी भी पता नहीं चलेगा। अगर आपको क्लियर बायफर्केशन चाहिए, 1000% कंफर्मेशन चाहिए, कंप्लीटली अगर आपको एस्टेब्लिश करना है चार्ट के ऊपर, दिमाग में क्लैरिटी लेके आनी है कि आज सीएनएक्स आईटी और टीसीएस और इन्फी अगर वो बुलिश है या बेरिश है, तो आपको करना पड़ेगा एनालिसिस ऑफ अ हायर टाइम फ्रेम। अगर फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर सीएनएक्स आईटी मंथली सीपीआर के नीचे ट्रेड कर रहा है तो इन्फी में या टीसीएस में या फिर सीएनएक्स आईटी सेक्टर के किसी भी आईटी स्टॉक में आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना है। आप जब भी सेल ट्रेड लोगे बिलो द सीपीआर तब आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर सीएनएक्स आईटी यानी आईटी सेक्टर या फिर बैंक निफ्टी या फिर सीएनएक्स फार्मा या फिर सीएनएक्स रियल्टी, अगर कोई भी सेक्टर मंथली सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मेरे पास ये एक सर्टेनिटी है, ये एक कॉन्फर्मेशन है कि ये बुलिशनेस है, अप ट्रेंड में है, अब मुझे बाइंग के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोचेंगे क्योंकि सीपीआर के नीचे ट्रेड हो रहा है और यहाँ पर सीपीआर के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है इंडेक्स, इसलिए हम सिर्फ बाइंग के बारे में सोचेंगे। और इस इंडेक्स के टॉप वेटेज स्टॉक्स, दो सबसे टॉप, आप तीन भी स्टॉक ले सकते हो लेकिन कोई जरूरत नहीं है, 20 स्टॉक्स बहुत ज्यादा हो गए। शायद अगर आप 7 सेक्टर सिलेक्ट करें या 5 सेक्टर सिलेक्ट करें तो आपके पास सिर्फ 10 ट्रेडेबल स्टॉक्स होंगे। तो जो भी मार्केट नॉइज है, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई यू नो नेसेसिटी नहीं है फॉर यू टू गो एंड वॉच ट्रेडिंग चैनल्स, फॉर यू एंड टू गो एंड वॉच यूट्यूबर्स कि कल कौन से स्टॉक सिलेक्ट करें। आप खुद से ये एनालिसिस कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है ये वीडियो देखने के बाद। लेकिन ये वीडियो को जरूर देखिए ध्यान से लास्ट तक और नोट जरूर बनाइएगा। तो यहां पर मुझे क्लैरिटी हो गई। अब यहां पर मैं इस चीज को और थोड़ा सा अप ट्रेंड जो है हमारा, जो बुलिशनेस है उसको और थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए मैंने इसमें और एक बार आपको इसी इंडिकेटर को फिर से एक बार यू नो प्लॉट करना है। और यहाँ पर ये मेरे पास ये फ्यूचर पिवोट का वर्जन 2 है, दोनों एक ही काम करते हैं, कोई डिफरेंट काम नहीं करते। आपको इसको सिलेक्ट करना है, इसमें जाके आपको पिवोट के रिजोल्यूशन को W सिलेक्ट करना है। W स्टैंड्स फॉर वीकली, मतलब वीकली का मुझे सीपीआर को प्लॉट करना है।
ठीक है, सीपीआर को मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पे, शो सीपीआर कर लेना है। कैमरेला को हम प्लॉट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो अल्टीमेट मंथली का सेल जोन है, अल्टीमेट मंथली का बाय जोन है, आप देखो किस खूबसूरती से। जो भी आप कैमरेला के बारे में नहीं जानते हो, आप एक बार समझ लीजिए, कैमरेला के चार लेवल्स होते हैं। ऊपर की तरफ होता है H4 और यहाँ पे है H3। ये हायर थ्री और हायर फोर जो है वो हमारा सेल जोन है। आप देखोगे यहाँ पर सेलिंग आ रही है, आप देख रहे हो यहाँ पर सेलिंग आ रही है। तो जब भी सेल जोन में स्टॉक जाता है, प्राइस जाता है, ये आपके आंखों के सामने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हो रहा है, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लोग और कुछ सर्च कर रहे हैं। देर इज नथिंग मोर रिलायबल, नथिंग मोर कंसिस्टेंट इन स्टॉक मार्केट अदर देन द कैमरेला सीक्रेट्स, अदर देन द नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स। तो यहां पर हमने इसको एस्टेब्लिश कर लिया है कि सेलिंग जब भी आएगी मार्केट में, लॉन्ग टर्म स्विंग्स जो आएंगे, दो चार दिन 10 दिन के जो स्विंग्स आने वाले हैं, स्विंग का जो बर्थ होने वाला है वो सेल जोन में होगा। ये हमारे लिए एक सेल जोन है, ऊपर का जो लेवल है। नीचे की तरफ कैमरेला में आप देखोगे तो यहाँ पर एक L3 है और यहाँ पर एक L4 है, ये लोअर थ्री और ये लोअर फोर। ये जो कैमरेला के L3 और L4 है वो यूजुअली सीपीआर के नीचे होते हैं, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल रिवर्सल ट्रेडर्स, जो लोग चीपर वैल्यूएशन, जो स्मार्ट ट्रेडर्स है, जो एल्गोरिदम से जो चीपेस्ट वैल्यूएशन को समझते हैं, जानते हैं, और जो चीपर वैल्यूएशन के ऊपर बाय करना चाहते हैं, वो बाय जोन में बाय करेंगे। वो बाय जोन से रिवर्सल आपको अब मिलकर रहेगा, बाय जोन से एक मैसिव स्विंग्स का बर्थ होकर रहेगा। तो डेफिनेटली आपको याद रखना है, ये कैमरेला लेवल्स के सीक्रेट है। लेकिन जब मैंने सेकेंड इंडिकेट प्लॉट किया है यहां पर, जिसमें मैंने वीकली सीपीआर को प्लॉट किया है, उसमें मैंने कैमरेला को सिलेक्ट नहीं किया है, एंड द रीजन बीइंग मुझे बस ट्रेंड एनालिसिस करना है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। मुझे सीएनएक्स आईटी में ट्रेड नहीं करना है, मुझे सीएनएक्स आईटी को सिर्फ रेफरेंस के लिए रखना है। उसमें मुझे जो एस्टैब्लिश करना था, ट्रेंड के एनालिसिस करना था, अप ट्रेंड को समझना था, डाउन ट्रेंड को समझना था, वो मैंने समझ लिया है। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि मुझे लेना है स्टॉक्स को बाय करना है ऑन इंट्राडे का कैमरेला एंड इंट्राडे का सीपीआर। तो यहां पर मैंने वीकली का जो ब्लू लाइन्स आप देख रहे हो, मेरे वीकली के सीपीआर है। अगर आप ध्यान से मुझे फॉलो करते हो, मेरे यूट्यूब चैनल को आप पहले भी देख चुके हो, तो मैंने ऐसी ही कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको दी थी ऑन ईयरली टाइम फ्रेम। मैं हजारों बार कहता हूँ, नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स को आपको एक बार सीखना है, और आप हर टाइम फ्रेम के ऊपर, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाइए। आप 30 मिनट का सीपीआर लगा लीजिए, हम 5 मिनट के सीपीआर के ऊपर भी स्कैल्पिंग ट्रेड लेते हैं, उसमें भी ये सारे पैटर्न्स, ये सारे स्ट्रेटेजीज, ये सारे प्रिंसिपल्स उतने ही बखूबी से और गारंटी और कंसिस्टेंस के साथ काम करते हैं। रिलायबल स्ट्रेटेजीज आपको मिलती है, स्टॉप लॉस अफोर्डेबल हो जाता है, चीपेस्ट वैल्यूएशन पर बाय करने का मौका मिल जाता है, और ये तीनों मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू सस्टेन इन द ट्रेडिंग बिजनेस ऑन अ लॉन्गर टर्म। तो एनी विच वेज, तो यहां पर मैंने वीकली सीपीआर को प्लॉट किया है। अब समझते हैं कि जैसे कि मैंने मंथली में आपको बहुत आसानी से बता दिया, मेरे लिए ये है अप ट्रेंड, मेरे लिए सीपीआर के ऊपर जब भी इंडेक्स ट्रेड करेगा मेरे लिए ये अप ट्रेंड है। उसी के साथ साथ मैं चेक करना चाहता हूं और मैं कंफर्म लेना करना चाहता हूं कि मेरा जो प्राइस एक्शन है इंडेक्स का, या फिर इंडेक्स का जो ओपनिंग है, इंडेक्स जहां पर ट्रेड कर रहा है, वो वीकली सीपीआर के ऊपर हो। तो देखिए, इस वीक में भले ही मंथली सीपीआर के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैं टीसीएस में और इन्फी में एक लॉन्ग ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि वो वीकली सीपीआर के नीचे है। देखा किस आसानी से मैंने आपको सबसे पहले हजारों 500 100 स्टॉक से 10-20 स्टॉक्स के ऊपर लेके आया, और अब मैंने आपको कंफर्मेशन दे दिया कि आपको इन सारे स्टॉक्स को उस वीक ट्रैक भी नहीं करना है, क्योंकि जो इंडेक्स है वो अपने आप में बेरिश है। अब वो डेफिनेटली बुलिश साइड में है ऑन अ मंथली सीपीआर, लेकिन फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, फॉर अ वीकली टाइम फ्रेम, 5 दिन का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर वो थोड़ा सा बेरिश हो गया है, वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है। उसमें हाई मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट्स नहीं मिल सकते, उसमें ट्रेंडिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बनते हुए स्टॉक H4 का ब्रेकआउट करते हुए बहुत मैसिव रन नहीं दे सकता क्योंकि अब वो कमजोर हो चुका है। तो स्टॉक की कमजोरी को जानना, स्टॉक के अप ट्रेंड को जानना डेफिनेटली एक चैलेंज था जो हमने क्रैक कर दिया, जिसको हमने मंथली सीपीआर को प्लॉट करके वो चैलेंज को इश्यू को रिजोल्व कर दिया। अब जब हम वीकली सीपीआर को प्लॉट कर रहे हैं, तब हमने दूसरे इश्यू को रिजोल्व किया, और वो था शॉर्ट टर्म की स्टॉक्स की स्ट्रेंथ। शॉर्ट टर्म में स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है, स्टॉक में कितनी मजबूती है, स्टॉक में कितना दम है टू गिव अ ब्रेकआउट इन द हायर डायरेक्शन, तो उसको भी हमने क्रैक कर लिया। अभी हम बाइंग ट्रेड लेंगे इस पर्टिकुलर वीक में, इस पर्टिकुलर वीक में बाइंग ट्रेड्स को ढूंढेंगे, इस पर्टिकुलर वीक में बाइंग ट्रेड्स को ढूंढेंगे। अब अगर आप देखोगे यहां पर हम बाइंग ट्रेड को ढूंढेंगे, यहां पर भी हम बाइंग ट्रेड को ढूंढेंगे, यहां पर भी हम बाइंग को ले सकते हैं। तो और देखा रिलायबिलिटी और जो शॉर्ट लिस्टिंग है, दिस इज टू अनदर लेवल, दिस इज द बेस्ट बेस्ट बेस्ट
स्टॉक सिलेक्शन मेथोडोलॉजी एंड दिस इज द बेस्ट ट्रेंड एनालिसिस यू कुड एवर डू टू सिलेक्ट योर इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो। बड़े ही आसानी से, बड़े ही क्लैरिटी के साथ, हाई कॉन्फिडेंस के साथ आप इंट्राडे ट्रेड्स को प्ले आउट कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो यूजिंग दिस स्टॉक सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। तो प्लीज इसे प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखिए, ट्राई आउट कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपके रिव्यूज, आपके फीडबैक, आपके क्वेरीज डेफिनेटली पुट ऑन कीजिए। अगर मुझे 1000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स मिलते हैं तो मैं इस वीडियो की सीरीज को क्रिएट करूंगा जिसमें मैं स्टॉक सिलेक्शन के ये तरीके, इससे एडवांस तरीके आपके सामने लेके आऊंगा और मैं आपको ये पूरा क्रैक डाउन करके बताऊंगा कोड जिससे आपका स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा बहुत बहुत आसान। मेरी आपसे एक आखिरी दरख्वास्त है, प्लीज इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनको उनकी ट्रेडिंग जर्नी में जरूर हेल्प कीजिए। और फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में विद न्यू लर्निंग, विद न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड विद माय नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स। तब के लिए थैंक यू सो मच, सी या।